अभी हमें हम लोग जा रहे हैं डीमापुर बाइक लेने के लिए, तो फिर बने रहिएगा। ये रहा हमें, कौन है यार ऐसे दौड़ रहे हैं। फाइनली हम लोग डीमापुर का ये बाजार में पहुंच गया है और अभी हम लोग जा रहा है। अभी लावड़ीजन पार हो गया, पहले में दिखाया था लावड़ीजन, सुगंजन पहुंचने वाला है। हम लोग ऑटो में बैठ के जा रहा हूँ, मैं और भाई और पैसेंजर मेरे साथ में। ये देखिए पीछे का नज़ारा, आगे का नज़ारा। थोड़ा बाद में पहुँचेंगे हम लोग सुगंजन पर, जहाँ मैं जा रहा हूँ बाइक लेने भाई का, तो वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। डोमिनर 250 है जो मैं लेके आ रहा हूँ और भाई और हम जा रहे हैं। अभी यहाँ मैं पहुँच गया हम लोग बुआ का घर में, ऐसे आया था। और यहाँ मैं भाई भी पीछे में दुकान में, पहले मैं बहुत इंजॉय करता था, अभी ये भी पूरा। और हम लोग यहाँ आए मोबाइल स्टोर में, भाई कुछ लैपटॉप लेगा सोच रहा है। वो अभी बेंगलोर जा रहा है तो मैं उसका बाइक लेके आ रहा हूँ। वो बेंगलोर जा रहे हैं तो घर में कौन चलाएगा बोल के। और यहाँ मेरा रहा दोस्त लोग, एंजॉय के लिए आए थे हम लोग। और यहाँ में है हम लोग का मम्मी का अपने आदमी है, मतलब बाहर में। और यहाँ में हम लोग पूजा करने आए थे, बाइक को लेके हम लोग जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश आसाम से, दीमापुर से, मतलब दीमापुर नहीं पोकाजन से जा रहे हैं यहाँ। अभी आधी रास्ता पहुँचने, हम लोग तिनसुकिया पहुँचने वाला है। थोड़ा आगे हम लोग खाना खाएंगे, भूख ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ में हम लोग पहुँच गया है खाना खाने के लिए, भैया को ऑर्डर भी दे चुका है, वेज थाली मिलेगा। चिकन तो अभी रेडी नहीं हुआ है बोल रहा है, मैं कोवर वॉइस करके डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत आ रहा था, तो इसलिए मैं वॉइस वहाँ में रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो कोवर वॉइस करके मैं लगा रहा हूँ। आप लोग कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये यहाँ का खाना जो था हम लोग को अरुणाचल में भेज थाली मिलता है 150 में, यहाँ में 70 में मिल रहा है भेज थाली। इतना वैरायटी है रेसिपी, और हम लोग का अरुणाचल में 150 में दो ही सब्जी मिलती, चार ही सब्जी मिलती है, यहाँ में 5-6 सब्जी। हम लोग का दो जन का बिल हुआ था 240 में, कितना हुआ था सब पानी छानी खा के, और कुछ भी बनाया था हम लोग चाट। हम लोग खा के निकल चुका है अभी। मेरा बाइक का और प्लस मेरा बाइक का थोड़ा सर्विसिंग भी करना है, उसका थोड़ा सॉकेट से भी वो थोड़ा लीक हो रहा है। लोग पता नहीं क्या देख रहे हैं।